हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल को लर्न करने का एक इजी सा वे। ये हमारा हैंड होता है, ठीक है। ये हमारी थ्री फिंगर्स है और तीनों की तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, ये इस पे, ये इस पे और ये भी आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर ये तीनों का यूज हम कहाँ पे करते हैं? फोर्स के लिए, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के लिए और करंट कैलकुलेट करने के लिए। तो अब हमें इसको याद कैसे रखना है? अगर हम इन तीनों में से बोले कि हमें मैक्सिमम फोर्स लगाना है, तो तीनों में से कौन से पोर्शन से हम मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं? किसी पर भी दबाव लगा सकते हैं, जोर दे सकते हैं, वो होगा हमारा थंब। तो हमारा थंब किसको रिप्रेजेंट करता है? फोर्स को। और जिस पर फोर्स डालते हैं उसके अंदर मोशन आ जाती है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हमें कोई पूछता है कि वो वाला हाउस किसका, वो घर किसका है, तो हम क्या बोलते हैं? वो घर किसका है? तो ये किसको दिखाते हैं? घर को दिखाते हैं। घर मतलब फील्ड, जगह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी। और जब हम ये रूल एक्सप्लेन करते हैं, तो ये फिंगर हमारी तरफ है, ऐसे बताएंगे, तो ये हमारी तरफ है। हमारी तरफ मतलब आई, आई फॉर करंट, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अंदर फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। और यहाँ पर इस रूल का अदर नेम क्या है? फादर, मदर और चाइल्ड। अदर नेम है फादर, मदर और ये वाली फिंगर चाइल्ड के लिए। इसे इधर राइट हैंड के अंदर भी सेम है, यही तीनों फिंगर्स होंगी। इसमें फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, फादर, मदर, चाइल्ड। डिफरेंस क्या है अब दोनों में? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं टू कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और राइट हैंड रूल का यूज करते हैं टू कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ करंट।